आठ ऐसे सुपरस्टार जो साइन कर सकते हैं अगले साल में ऑल इलीट रेसलिंग के साथ, कौन है ये नाम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और हम जानते हैं कि अब साल 2019 खत्म हो चुका है। ये एक हिस्टोरिकल साल रहा रेसलिंग की दुनिया के लिए, क्योंकि ऑल इलीट रेसलिंग एक नई कंपनी जो है उसने कदम रखा अपना WWE के आगे, वो आई और उसको काफी बड़ा कॉम्पिटिशन अब वो दे रही है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि और कंपनीज की तरह ऑल इलीट रेसलिंग जो है वो पिछड़ जाएगी कुछ समय में। काफी स्ट्रांग उनका स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वो अपनी पीक में है या फिर उसके बिल्कुल भी क्लोज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनको ऐसी करनी पड़ेंगी ताकि वो WWE को और अच्छा कंपटीशन दे सकें। और उस चीज की शुरुआत होती है अपना रोस्टर और अच्छा करने से। WWE के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स हैं, जबकि वो उनको यूज भी नहीं करते इतना अच्छा। उनके पास अपॉर्चुनिटी है नए नए टैलेंट्स को मौका देने की, लेकिन ऑल इलीट रेसलिंग का रोस्टर बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं कि वो हर समय है जो नया बंदे को अपॉर्चुनिटी दे सकें। और गाइस हम इस वीडियो में आठ ऐसे बंदों की बात करेंगे जो शायद अगले साल में ऑल इलीट रेसलिंग में हमें देखने को मिल सकते हैं। नंबर एट पे आते हैं रे मिस्टीरियो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो अभी WWE में है। तो गाइस रे मिस्टीरियो का जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने अभी तक रिन्यू नहीं कराया, 2020 के स्टार्टिंग में ही जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। और जबकि काफी ज्यादा चांस है कि यहाँ पे रे मिस्टीरियो अपना कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन करेंगे WWE के साथ और उस कंपनी में बने रहेंगे। ऑल इलीट रेसलिंग की नजर रहेगी सिचुएशन पे, क्योंकि अगर रे मिस्टीरियो एक बार फिर से बनते हैं एक फ्री एजेंट, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि AEW उनको कहीं भी जाने देगी, और इस वजह से WWE काफी ज्यादा पैसे भी ऑफर करेगी रे मिस्टीरियो को। तो ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल वो एक WWE के सुपरस्टार हैं, लेकिन ऑल इलीट रेसलिंग जरूर इसमें रहेगी इंटरेस्टेड। नंबर 7 पे आता है गाइस नाम लूक हार्पर का। ये एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि काफी लकी थे, क्योंकि इन्होंने अपना रिलीज मांगा और सुपरस्टार्स की तरह नहीं थी WWE काफी अच्छे तरीके से उन्होंने इनको ट्रीट करा और उनको कंपनी से रिलीज कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो एक फ्री एजेंट है। अगर हम लूक हार्पर के WWE करियर की बात करें गाइस, तो उनको हमेशा वाइट फैमिली का एक बहुत स्ट्रांग पार्ट दिखाया गया और एरिक रोवन के साथ उनकी एक टैग टीम भी बनाई गई, लेकिन एज अ सिंगल सुपरस्टार कभी भी लूक हार्पर को मौका नहीं मिला शाइन करने का। प्रोबेबली इस वजह से क्योंकि उनके माइक स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं बल्कि ऑल इलीट रेसलिंग में मिल सकती है। और मुझे लगता है कि AEW ने ऑलरेडी बात जो है वो करनी स्टार्ट कर दी है लूक हार्पर के साथ। वो वन ऑफ द हॉटेस्ट फ्री एजेंट्स हैं समय पे, और डेफिनेटली जो है बाकी सारी कंपनीज भी AEW के साथ कोशिश करेंगी उनको साइन करने के लिए। और अगर ऑल इलीट रेसलिंग में वो जाते हैं तो काफी बड़ा एडिशन रहेगा उस कंपनी के लिए। लिस्ट में अगला नाम आता है द रिवाइवल का, और मेरे हिसाब से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहां पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रिवाइवल को WWE कुछ ढंग से ट्रीट नहीं कर रही, उनको टाइटल जितवा के फिर से हरवा दिया जाता है, उनको कॉमेडी सेगमेंट्स का पार्ट बनाया जा रहा है, जबकि रिवाइवल इतनी अच्छी टैग टीम है। अगर हम उनके NXT के जाके मैचेस देखें तो प्रॉब्ली 5-स्टार मैचेस उन्होंने इतने सारे दिए हैं कि अब उनके मेन रोस्टर की बुकिंग की वजह से लोग वो सब भूल चुके हैं। और मेरे हिसाब से द रिवाइवल बस वेट कर रही है कि कब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो और वो जाके ऑल इलीट रेसलिंग के साथ साइन कर सकें। और गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे WWE के लिए इसलिए है क्योंकि AEW की टैग टीम डिवीजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है और वो वन ऑफ द मेन थिंग्स है जो ऑल इलीट रेसलिंग के पास है, जिस तरीके से वो अपनी टैग टीम को बुक कर रहे हैं जो कि WWE बहुत समय से नहीं कर रही है। तो अगर उस चीज में हम रिवाइवल को भी ऐड कर दें तो हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से AEW उनका यूज करने वाली है, और शायद फिर फाइनली हमको पता लगेगा कि रिवाइवल की असली कैपेबिलिटी कितनी है। क्योंकि अगर उनका मैच हमें द यंग बक्स, लूचा ब्रोस जैसी टैग टीम के साथ देखने को मिलेगा तो आप ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी एडिशन उनकी टैग टीम के लिए वो रहेगी। अगला नाम आता है गाइस लिस्ट में यहां पे एंजो अमोरे का, और ये एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है क्योंकि एंजो अमोरे का WWE में जबकि गिमिक काफी ज्यादा पॉपुलर था और लोग उनको पसंद करते थे, उनका जो एटीट्यूड था और जिस तरीके से वो अपने आप को होल्ड करके रखते थे बैक स्टेज वो इतना अच्छा नहीं था, और उसकी वजह से उनको रिलीज कर दिया गया था। उनका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं माना जाता था, और इसी वजह से मैं इसको कॉन्ट्रोवर्शियल कहूंगा, क्योंकि ये साइनिंग करनी AEW के लिए आसान है क्योंकि एंजो आराम से मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्री कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी हिस्ट्री रही है और जिस तरीके से उन्होंने प्रीवियस कंपनीज में अपना जो है प्रेजेंटेशन रखा है, शायद वो एक ऐसी चीज हो जो ऑल इलीट रेसलिंग इसकी वजह से उनको साइन ना करे। लेकिन एंजो ऑब्वियसली एक काफी एंटरटेनिंग कैरेक्टर है और काफी एनर्जेटिक कैरेक्टर है, और ऑल इलीट रेसलिंग को प्रोबेबली उनके जैसे एक गिमिक की काफी जरूरत है। और अगला नाम लिस्ट में गाइस इसी के साथ साथ आता है बिग कैस का। मुझे पता है कि ऑल इलीट रेसलिंग इन दोनों को एज अ टीम भी यूज कर सकती है, लेकिन क्योंकि उनकी टैग टीम डिवीजन इतनी अच्छी है इनको एज अ सिंगल सुपरस्टार भी आराम से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। बिग कैस एक ऐसे बड़े सुपरस्टार हैं जिसकी अभी कमी है मुझे लगता है ऑल इलीट रेसलिंग में। जेक हेगर और लूचा सोरस को छोड़कर और कोई ऐसा बड़ा बंदा है नहीं ऑल इलीट रेसलिंग में जो कि काफी मॉन्स्टर टाइप एक्ट कर सके, और ऑब्वियसली वी नो बिग कैस इज 7 फीट टॉल, तो अगर वो ऑल
एलिट रेसलिंग को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली एक पार्ट होगा उनके रोस्टर का जो अपग्रेड होगा। और गाइज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सारे मेन सुपरस्टार के, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना होगा कि ऑल एलिट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन सबसे वीकेस्ट पॉइंट है पूरी प्रमोशन का, और उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि लोग इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे उनके फीमेल सुपरस्टार्स में, और डेफिनेटली उनको एक या दो बड़े नाम साइन करने ही पड़ेंगे ताकि लोगों की और ज्यादा अटेंशन पड़ सके उस डिवीजन पर। और गाइज इसी के साथ साथ मैं नाम लेने वाला हूँ एजे ली का। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि एजे ली आके WWE या फिर AEW के लिए साइन करें, लेकिन मुझे लगता है गाइज कि ये पॉसिबल तभी है अगर उनको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और एक ऐसा ही चीज ऑफर करी जाए जो कि वो रिजेक्ट ही नहीं कर सकती। और मुझे लगता है ऑल एलिट रेसलिंग उस चीज की कैपेबिलिटी रखती है, और अगर उनको विमेंस डिवीजन के लिए कुछ बहुत ज्यादा बड़ा करना है तो ये एक मार्की साइनिंग हो सकती है उनके लिए। और एजे ली ने जबकि बहुत बार कहा है कि वो रेसलिंग से रिटायर हो चुके हैं, उनको अब कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब पैसों की बात आती है और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा जाए तो बड़े से बड़े सुपरस्टार्स भी जो है वो पास्ट में हमने देखा है एग्री करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एजे ली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिनको साल 2020 में ऑल एलिट रेसलिंग अप्रोच करे। अगली लिस्ट में आता है गाइस नाम यहां पे टेसा ब्लैंचर्ड का, और शायद आप लोग इनको नहीं जानते होंगे, अगर आप इंपैक्ट रेसलिंग देखते हैं तो वहां की अभी फिलहाल विमेंस डिवीजन की चैंपियन है और बहुत ही ज्यादा अच्छी रेसलर है। हम देखते हैं कि टली ब्लैंचर्ड आते हैं गाइस शॉन स्पीयर्स के साथ ऑल एलिट रेसलिंग में, उन्हीं की ये बेटी है और इसकी वजह से वो काफी अच्छे रिलेशनशिप रखती है ऑल एलिट रेसलिंग के साथ। उन्होंने उनके डेब्यू पेपर व्यू ऑल इन और ऑल आउट दोनों में परफॉर्मेंस भी दी थी। और यहाँ पे काफी बढ़िया बात यह है कि इंपैक्ट रेसलिंग का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो साल 2020 में होने वाला है खत्म, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके साथ रिन्यू करने वाली है, क्योंकि ऑल एलिट रेसलिंग डेफिनेटली इंपैक्ट से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है समय पे, और उनके लिए बेस्ट रहेगा अगर वो अपना टैलेंट और अपनी पॉपुलैरिटी लेकर जाएंगी ऑल एलिट रेसलिंग में। और मेरे हिसाब से दोनों पार्टीज के लिए कमाल की डील होगी अगर ऐसा हो सकता है। और फिर लिस्ट में गाइस फाइनली नाम आता है फीड मी मोर रायबैक का, जिन्होंने रिसेंटली एक फोटो पोस्ट करी थी अपनी कोडी रोड्स के साथ, उनके साथ वो हाथ मिला के काफी खुश लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी टॉक्स शुरू हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट की। और रायबैक काफी समय से फ्री एजेंट है, उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम करा है और जो उनकी फिजिक है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है, काफी मॉन्स्टर फिजिक है। और फिर से कैश की तरह मैं यही कहूंगा कि रायबैक एक ऐसा सुपरस्टार है जो वो मॉन्स्टर वाले वॉइड को फिल करेगा ऑल एलिट रेसलिंग में, और एक ऐसे सुपरस्टार जो कि यूनिक रहेंगे उनके लिए, क्योंकि और कोई ऐसा है नहीं जो रायबैक को कॉम्पिटिशन दे सके। जबकि रेसलिंग की बात करें तो रायबैक उतने ज्यादा टेक्निकल या फिर अच्छे रेसलर नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही काफी एक फ्यूड को काफी बढ़िया बनाने की, और हम जानते हैं कि काफी डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर उनका टीवी पर दिखाया जा सकता है। तो गाइज ये थे 8 ऐसे नाम जो मेरे हिसाब से ऑल एलिट रेसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं साल 2020 में। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई नाम मिस कर दिया तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ऐसे लाइक करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।